डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 4। पार्ट 3 में आपने भर भर के मुझे बताया जी यू वांट द सीरीज ऑफ डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र, सो हियर इट इज। आप में से बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने ये भी बताया है कि उन्होंने ये वीडियोस देख देख के जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप डी क्लटरिंग करना बता रही हूँ वो अपने घर को डी क्लटर कर रहे हैं। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आपने इनिशिएटिव लिया, आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया एंड कहीं ना कहीं मेरे मोटिवेशन से और मेरी थोड़ी सी गाइडेंस से आपको हेल्प हो रही है कि आप अपने घर को साफ कर पाएँ, डी क्लटर कर पाएँ। जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती है आप वो कर पाएँ और आपको हेल्प मिल रही है उसमें। आपको बैकग्राउंड में आज बहुत सारी नॉइजेज आ रही होंगी बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी चेंज है और मेरा जगह भी चेंज है। मैं इस वक्त बैंगलोर में नहीं हूँ, मैं हूँ अपने होम टाउन में दिल्ली में और मैं अपने इन लॉज के घर पे हूँ। और हो सकता है मेरी वीडियो कुछ टाइम स्किप हो जाए, आए ना या फिर आगे पीछे आए बिकॉज यार यहाँ पे ना एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से हमने विद इन 10 आवर्स फ्लाइट बुकिंग, पैकिंग, घर वाइंड अप सब कुछ विद इन 10 आवर्स करके हम यहाँ पे इमीडिएटली पहुंचे हैं। आप समझ सकते हो कि भाई मैं किस पोजीशन में यहाँ पे पहुंची होंगी। इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी है तो भाई प्लीज प्रे जिस काम के लिए हम आए हैं वो अच्छे से हो जाए और जो मेडिकल इमरजेंसी आई है वो अच्छे से निपट जाए। वीडियोस थोड़ी ऊपर नीचे होंगी बट अगर मैं वीडियोस नहीं भी पोस्ट कर पा रही हूँ देन व्हेन आई गेट टाइम मैं ये डी क्लटरिंग की सीरीज पूरी करने वाली हूँ, पूरी खत्म भी करने वाली हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने भी वाली हूँ। सो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपने फेस्टिवल्स इंजॉय कीजिए, बाद में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेरी जो रेगुलर वीडियोस थर्सडे को आती हैं यार वो भी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी, रीजन इज दिस ओनली। आगे क्या रीजन है वो मैं आपको बाद में बताती चलूंगी, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने घर का मेन हार्ट को टैकल करने वाले हैं विच इज द किचन। किचन ऑर्गेनाइज करना इज हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा टैक्टफुल काम। ये भाई इजी नहीं है, इट्स नॉट अ वर्क दैट कैन बी डन इन जिफी। यू हैव टू बी वेरी काम कंपोज्ड और आपको अपनी माइंड की क्लैरिटी बेसिकली होनी चाहिए कि भाई आपने अपना किचन कैसे ऑर्गेनाइज करना है। मैं यहाँ पे अपनी मम्मी का मतलब मदर इन लॉ के पास आई हूँ, मम्मी ही बोलती हूँ मैं उनको, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ। मैं बैकग्राउंड से आपको पता चल रहा है ना इन लॉज के, बार बार मदर इन लॉ नहीं बोलूंगी, मम्मी बोलूंगी। उनके घर आई हुई हूँ, उनके किचन को सीरियस किचन क्या घर को सीरियस डी क्लटरिंग की नीडेड है। एक्चुअली यार होती भी है जब घर के बड़े होते हैं वो 70-80 की एज तक पहुंच जाते हैं, दे डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ कि वो अपने घर को इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकें या फिर इतना डी क्लटर कर सकें क्योंकि उनके पास सालों सालों की चीज़ें होती हैं, लाइक दादी पर दादियों की भी चीज़ें उनके पास पड़ी होती हैं क्योंकि पहले के ज़माने में फैमिलीज बहुत बड़ी हुआ करती थी। सेम चीज़ मेरी मम्मी के पास भी है यहाँ पे, उनके पास इतने बड़े बड़े पतीले हैं, इतने बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं और इतने बड़े बड़े जो 25-30 लीटर वाले ड्रम होते हैं आटे के वो भी हैं और उससे भी बड़ी चीज़ें तो मैं उन सबको हाथ नहीं लगाने वाली। तो चलिए अभी शुरू करते हैं किचन की ऑर्गेनाइजिंग, किचन का डी क्लटर करना। इंडियन होम्स में जो किचन होती है ना भर भर के इसमें चीज़ें होती हैं, भर भर के बर्तन होते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। बड़ी चीज़ तो भाई ऐसे पतीलों के पतीले होते हैं उनको निकालना करना ना बहुत सोच समझ के करना पड़ता है और ये अगर आप निकालना भी चाह रहे हो आप मम्मी या आपकी मदर इन लॉ आपको नहीं निकालने देंगी बिकॉज उनकी मदर इन लॉ या उनकी अपनी मम्मी ने या उनको ट्रांसफ़र करके दिया। आपको बच्चों की आवाज़ आ रही होगी बिकॉज जस्ट ऑपोजिट स्कूल है, सो वहाँ पर उनका कुछ फंक्शन चल रहा है या समथिंग, तो वो बच्चे माइक और बच्चों की आवाज़ आ रही होगी। हाँ तो आप वो चीज़ें नहीं निकाल सकते हो, उनसे आर्ग्यू भी मत करना। जो चीज़ आप कर सकते उनको अच्छे से क्लीन करके, दाग नहीं रहने चाहिए, जंग नहीं, हाँ जंग लगा हुआ है या फिर बर्तन टूट गए हैं कटे हुए हैं तो आप उनको निकाल दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। मेरे को सामने सामने बहुत सारे बर्तन दिख रहे थे यूटेंसिल रैक में जो कि कटे हुए थे, टूटे हुए थे एंड जो कि डिसफिगर्ड भी थे, उनकी शेप ख़राब हो चुकी है, जैसे ग्लासेस ऐसे पिचक गए हैं, बोल्स जो हैं कहीं से कोने निकल रहे हैं, राउंड नहीं रहे हैं, प्लेट्स जो हैं बड़ी ठुकी ठुकी सी लग रही हैं, वो सब चीज़ें आप निकाल सकते हो और नई चीज़ें उसकी जगह लेके आ सकते हो जो आपको यूज़ में आए और जो अच्छी लगे। यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अपनी मदर इन लॉ से पूछ के करना जो भी करना है, अकेले डिसीजंस मत लेना अगर मदर इन लॉ के साथ हो। भाई मैं रियल टाइम फिर से एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, लास्ट वीडियो में कोई मुझे बोल भी रहा था अब अपना बताए जा रहे हो, क्योंकि ये वीडियो है ही रियल टाइम एक्सपीरियंसेस पे जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, ये हम सबके घरों में होता है,
कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज कि मेरी मम्मी, अगेन मेरी मम्मी, समझ गए होगे, वो हॉस्पिटलाइज है। उनको मैं बिजी रखना चाह रही हूँ कि भाई उनका दिमाग ज्यादा ना जाए, क्योंकि एक थोड़ी मेजर सर्जरी उनकी प्लान्ड है जो कि अभी पोस्टपोन हो गई है। तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि उनका दिमाग हटे, तो मैं उनको घर के कामों में इन्वॉल्व कर रही हूँ ओवर द फोन। मैंने कहा मम्मी ये बर्तन कटा हुआ है, ये निकाल रही हूँ, मैं ना एक काम कर रही हूँ इनको एक पॉलिथिन में डाल रही हूँ। कहते हैं हाँ आप एक अलग कर दो उन सब बर्तनों को, रैक में से निकाल दो। मैंने क्या किया, मैंने कटे टूटे जंग लगे हुए बर्तन, अभी मैंने पूरी किचन नहीं छेड़ी, बिकॉज द किचन नीड सीरियस डीक्लटरिंग, सीरियस क्लीनिंग। मतलब एक बार मुझे हो गया था कि मैं अर्बन क्लैप वाले को बुला के एटलीस्ट किचन साफ करवा दूं, बट ये हुआ कि वो सारा सामान बाहर निकाल देंगे किचन का, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किचन रीऑर्गेनाइज कर पाऊँ, साथ साथ मम्मी को भी देख पाऊँ, हॉस्पिटल का देख पाऊँ, घर का खाना पीना भी देख पाऊँ। आपको पता होगा भाई, अगर घर पे कोई एक पेशेंट होता है और हॉस्पिटलाइज होता है तो क्या क्या होता है, बैठने तक का टाइम नहीं मिलता है, इस तरीके की हालत होती है। मैंने इस तरीके से शुरू किया भाई। मेरी ना मदर इन लॉ, मेरी मम्मी इतनी फजी नहीं है, इवन मेरे फादर इन लॉ भी इतने फजी नहीं है। उन्होंने, मैंने उनको स्ट्रेट बोला है कि मैं ना अलग चीज़ें निकाल रही हूँ, आपको जो ठीक लगता है आके आप देखना, जब आप घर पे आओगे आप देखना उनको, और अगर आपने निकालने हो तो वो मैं रद्दी में दे दूंगी, क्योंकि वो टूटी हुई चीज़ें किसी को देने के भी काम नहीं आएंगी। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं ठीक हैं, एक बारी जो यहाँ पे मेड काम करती है, हाउस हेल्प है, उससे मैं पूछ लूँगी, अगर उसको चाहिए तो वो लेके जा सकती है। अब किचन में अगर आपके टूटे बर्तन होते हैं, टूटे हुए बर्तन, रुकी हुई चीज़ें, जंग लगी हुई चीज़ें, आपको किचन से क्यों बाहर निकालनी है? अगेन एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है वास्तु का, वास्तु के हिसाब से इट इज़ नॉट गुड, घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए इट इज़ नॉट गुड। और अगर आप अपने घर को दिवाली रेडी 101 कर रहे हैं, तो आपको अपने घर से सबसे पहले ये चीज़ें निकालनी है ताकि आप माँ लक्ष्मी का स्वागत कर पाएं अपने घर में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माँ लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जिस घर में साफ सफाई होती है, समृद्धि उसी घर में आती, जिस घर में माहौल अच्छा खुश होता है। वो सब चीजें आपको कैसे मिलेंगी, वो चीजें सिर्फ आपको डीक्लटर करने से मिलेंगी, सिर्फ सफाई करने से नहीं मिलेंगी, डीक्लटर करने से मिलेंगी। जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको अपने घर से बाहर निकालिए। किचन एक ऐसी जगह है हमारे घर की जहाँ बहुत चीज़ें स्टोर्ड होती हैं, लफाफे तक स्टोर्ड होते हैं भाई। किस किस टाइप के पेपर बैग्स होंगे, फाइबर बैग्स होंगे, पॉलीथीन बैग्स होंगे, बर्तनों के लिड्स होंगे, प्लास्टिक कंटेनर्स होंगे, उनके भी लिड्स होंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं यार, आई डोंट नो क्या हुआ है, कोई कंपटीशन हो रहा है शायद। उनमें आपको क्या करना है, चीज़ें अपनी लिमिटेड रखनी है। आप ये देखें कि आपके बच्चे अगर इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनके फूड ग्रेड कंटेनर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस टाइप की चीज़ें ज़्यादा रीच आउट करते हैं, किन में खाना पसंद करते हैं, और किन चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल बैक एंड पे रखा है जो वो हाथ लगाना और उसमें खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई बर्तन, ऐसा कोई यूटेंसिल आपके घर में है जो बच्चों से रिलेटेड है या फिर जो बड़ों से रिलेटेड है, कभी कभी बड़ों के भी प्रेफरेंसेस होते हैं, आपके घर में ऐसी कोई प्रेफरेंसेस हैं तो उनको सबसे पहले नोटिस कीजिए और उस हिसाब से अपने घर में से बर्तन निकालिए जो कि आपके यूज में नहीं है। दूसरा है बच्चों के मग्स, जो पानी पीते हैं, बच्चों की बॉटल्स, मग्स, टिफिन बॉक्सेस, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी होती है या फिर उनका मन भर जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो अगेन आप उनको डोनेट कर दीजिए, अपनी हाउस हेल्प को दीजिए, ड्राइवर को दीजिए, जिनके भी घर पे बच्चे हैं आप उनको दीजिए, नहीं तो फिर आप कहीं एनजीओ या फिर आप किसी अनाथ आश्रम में जाके वहाँ पे दे सकते हैं। बुक्स चेक कीजिए अपनी, बुक्स तो शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज हम सिर्फ और सिर्फ किचन की बात करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज 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 टास्क जो कि करने में ही भाई सालों साल लग जाते हैं, तो आप ज़्यादा अपने को अंदर मत घुसा लेना। अभी जो आपको आगे आगे चीज़ें दिख रही हैं ना, आप वो कीजिए और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको टाइम मिले आप वैसे वैसे एक एक अलमारी, एक एक कोना पकड़िए और उसको डीक्लटर कीजिए। सब कुछ एक साथ मत फैला लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि घर को भी संभालना है, किचन भी देखनी है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, बाकी घर वाले मेंबर्स को भी देखना है। धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें कीजिए। जैसे एक दिन आपने अपना यूटेंसिल रैक देखा या फिर आप जहाँ पे बर्तन स्टोर करते हैं वहाँ पे देखा, जो आपको कुकर्स नहीं चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपने घर से क्या क्या निकाला। मेरे घर में 5 कुकर थे, हर टाइप का कुकर था, हांडी कुकर था, एनोडाइज्ड कुकर था, 5 लीटर वाला कुकर था, 3.5 लीटर वाला कुकर था, 1.5 लीटर वाला कुकर था, 2.5 लीटर वाला कुकर था। भाई कुकरों की लाइन लगी पड़ी थी, घर में बंदे उतने नहीं जितने कुकर थे, तो मैंने सारे कुकर निकाल दिए, जस्ट एक कुकर रखा है। अभी मैंने सिर्फ 5 लीटर वाला कुकर अपने पास रखा हुआ है, सिर्फ एक कुकर रखा हुआ है अपने घर में, बट मुझे एक
स्टील का कुकर भी लेना है, जो कि मैंने अभी आगे अपनी विश लिस्ट में रखा हुआ है। अभी नहीं लेने वाली हूँ, अभी मैं देखने वाली हूँ मुझे और क्या डीक्लटर करना है, उस हिसाब से मैं आगे जाके अपनी शॉपिंग करूँगी। नीड और वांट, अगर आपने मेरा सबसे पहला पार्ट वन देखा है आपको पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, तो मैं उसी चीज़ को ध्यान रख रही हूँ, उस चीज़ को मैं बैलेंस करके चल रही हूँ और मैं अपनी शॉपिंग टेम्पटेशन को कंट्रोल कर रही हूँ। किचन में कुकर यूटेंसिल्स आपने ये सब देखे हैं जो कि एक्सेस में है वो निकाल दो। एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स ऐसे हैं जो आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिसफिगर हो गए हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो। नॉनस्टिक चेक कीजिए, नॉनस्टिक मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरा घर से निकाल दो, जो नया नॉनस्टिक है वो आप यूज़ में ले आओ अब, और जो पुराना नॉनस्टिक है वो आप आगे किसी को दे सकते हो या फिर रद्दी में दे दो, तोल के भाव से निकल जाएगा। और जो नया नॉनस्टिक आपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है ना, उन अलमारियों में से निकाल के उसको बाहर यूज़ करो, और उसके बाद फिर नॉनस्टिक मत लेना, कास्ट आयरन लेना। इस तरीके से आपके घर में जो छिपी हुई अंदर चीज़ें पड़ी हैं वो यूज़ हो जाएंगी और इस दिवाली आपकी किचन भी न्यू हो जाएगी, आपको परचेज़ नहीं कुछ करना पड़ेगा। मैंने अब क्या क्या डीक्लटर किया वो बताती हूँ, होपफुली आपको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप अपने घर से क्या क्या निकाल सकते हो। और मेरे घर में था भाई स्टील बर्तनों का भंडार, जितने की मुझे ज़रूरत नहीं थी उतने का भंडार था, और नई नई चीज़ें भी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सेट बना बना के उसको या तो किसी को दिया है या फिर उसको सेल ऑफ कर दिया है, क्योंकि मेरे बर्तन जो थे बिल्कुल न्यू थे, विनोद ब्रांड के थे, हैवी स्टील था मेरा बिल्कुल, मतलब लिटरली आप उसको हाथ में उठाओगे ना आपको पता चलेगा कितना भारी स्टील था वो। या पूरा भंडारा देख रहे हो जी, ये सब चीज़ें मैंने अपने घर से डीक्लटर करी और अभी भी मैं कर रही हूँ। अभी तो खैर यहाँ पे हूँ, क्या कर रही हूँ मतलब, हाँ मैंने निकाल के ना एक बॉक्स में रखी हुई है, जो कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में शायद दिखाया था बॉक्स, जो कि मैंने एक स्टोरेज यूनिट में रखा हुआ था, तो उसी बॉक्स में मैं निकाल के सब चीज़ें रख देती हूँ जो मुझे डीक्लटर करनी होती हैं। आप भी ऐसा कुछ कीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए जो आपको डीक्लटर करना है, एक तो जो आपको सेल ऑफ करना है वो उस बॉक्स में डालिए, और जो आपको निकालना है किसी को डोनेट करना है वो आप इमीडिएटली कर दीजिए, कल ही मेड आती है तो उसको कल ही कर दीजिए, उसको घर पे मत रखिए। सेल करने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कई नई चीज़ें होती हैं, आप उसको किसी को देना नहीं चाह रहे, या तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में किसी को दे सकते हैं या फिर आप उसको सेल कर दो। अगर आपने ये सारे काम कर लिए भाई कोई नहीं रोक सकता, इस दिवाली आपका घर बिल्कुल रेडी होने वाला है, दिवाली रेडी 101 होने वाला है। किचन ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन आपको किचन ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रादर आपको नो कॉस्ट किचन ऑर्गेनाइजर्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, DIYs करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो DIYs ऐसे होंगे जो यूज़ एंड थ्रो होंगे, आपको उनमें पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी अगर आपने अपना किचन ऑर्गेनाइज कर लिया। किचन मेंटेन करना और किचन ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बिकॉज हम जो चीज़ें मार्केट से लाते रहते हैं ना और उसको किचन में डंप करते रहते हैं, जाते हैं यार ये बर्तन अच्छा लग रहा है, ये कुकर नया आया है, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इस बर्तन में कुछ ट्राई प्लाई एंड फाइव प्लाई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मुझे ये यूज़ करना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए। भाई अगर आप वो ला रहे हो, अगेन एक चीज़ ला रहे हो तो उसके लिए पहले आपको घर पे जगह बनानी है, उसके लिए आपको पहले घर में से कोई चीज़ बाहर भी निकालनी है। किचन का लेके आ रहे हो और किस कैटेगरी का लेके आ रहे हो, अगर कुकर लेके आ रहे हो तो एक कुकर आपको बाहर भी निकालना है, प्लेट लेके आ रहे हो तो एक प्लेट आपको बाहर भी निकालनी है। जितनी चीज़ें जिस कैटेगरी की लेके आ रहे हो उस कैटेगरी में आपको जगह खाली करके फिर आपको नया बर्तन या नई चीज़ नया आइटम उसमें फिल इन करना है। ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप डीक्लटरिंग कर रहे हो और उसके बाद फिर से परचेजिंग करते हो, ये आपका ब्रह्मास्त्र होने वाला है किचन के लिए, और ये आपको किचन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, किचन मेंटेनेंस में आगे बहुत हेल्प करने वाला है। इसी के साथ साथ नीचे कमेंट करके बताओ अगर आपने किचन की डीक्लटरिंग इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर दी है, आपने किचन में से क्या क्या निकाला है, जैसे मैंने आपके साथ शो किया मैंने अपनी किचन में से क्या क्या निकाला है। सो मुझे ये बताओ आपने क्या क्या निकाला है, हो सकता है मुझे भी आइडियाज़ मिल जाए उनमें से कुछ, और मैं भी अपनी किचन में से वो सब चीज़ें निकाल पाऊँ, डीक्लटर कर पाऊँ। मुझे भी हेल्प कीजिए अपने साथ साथ। और हाँ, इसी के साथ मुझे बता दो अब आगे मैं पार्ट 5 लेके आऊं या नहीं लेके आऊं। अगर आपने ये सब चीज़ें अचीव कर ली ना, इस दिवाली आपका घर बिल्कुल रेडी हो जाएगा भाई, आपकी किचन इतनी हल्की फील होने लगेगी कि आपके सिर से बोझा तक उतर जाएगा, आपको लगेगा पता नहीं घर इतना लाइट कैसे हो गया एकदम से। ये चीज़ मैंने एकदम से नोटिस करी थी जब मेरे घर से बहुत सारा सामान बाहर गया था, मेरे को ये जो फीलिंग आई थी ना यार, मेरे सिर पे से जैसे पता नहीं पहाड़ उतर गया हो, इस तरीके की मुझे फीलिंग आई थी। तो चलिए, आई होप आपको भी इससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली हो। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, होपफुली अगला वीडियो मैं जल्दी ना पाऊँ और जल्दी ला पाऊँ, अगर नहीं तो फिर कुछ टाइम के बाद ये डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ कंटिन्यू होगी। और मुझे बहुत पसीना आ रहा है, दिल्ली में बहुत गर्मी है, फ़ैन ऊपर बंद भी है। चलिए फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, तो उस पावर को आपने डिमिनिश नहीं होने देना। फिलहाल मेरी जो यहाँ पे पावर हाउस है
उनको मैं खड़ा करने आई हूँ। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और नवरात्रि में अच्छे से झूमिए, गाइए, नाचिए और अच्छे से तैयार होइए। जाने से पहले, वीडियो और डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको अच्छी लग रही है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे आइए, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मैं रेगुलर अपडेट्स आपको देती रहती हूँ, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, वीडियो कब आने वाली है और वीडियो आ रही है, नहीं आ रही है, किस टॉपिक से रिलेटेड आ रही है, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे मिलता है। गो चेक इट आउट। आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, गो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो अच्छा लगा है आपको, पता है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। जब सब्सक्राइब कर रहे हो उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। थर्सडे को मेरी जब वीडियो 1 o'clock आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ट्यूजडे एंड सैटरडे शॉर्ट्स आते हैं अगेन 1 o'clock एंड मंडे को डी क्लटरिंग का ब्रह्मा सीरीज चल रही है अगेन 1 o'clock। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सीरीज अच्छी लग रही हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी इस दिवाली।